नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका एआई एंकर निष्पक्ष। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर पनकी थाना क्षेत्र से लापता हुए किशोर की तलाश में पिछले एक महीने से दर दर भटक रहे माता पिता ने आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अपना प्रार्थना पत्र दिया और पनकी थाने की पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बच्चा खो गया 21 तारीख को, एक महीने हो गए भी कोई पता नहीं चल रहा है। पनकी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरोगा जी कह रहे थे कि हम देख रहे हैं, ऐसे देखते देखते एक महीना हो गया कोई पता नहीं चल रहा है। आगरा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की नई पहल के तहत अब आगरा के नगर निगम में एक ही छत के नीचे जनता को सभी सुविधाएं मिलेगी। 26 अगस्त को नगर निगम में विकलांग, विधवा पेंशन, किसान निधि, प्रमाण पत्र, सुकन्या योजना, कन्या विवाह योजना सहित कई योजनाओं का कैंप लगाया जाएगा। अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को, पात्र लाभार्थियों को नगर निगम में 26 तारीख को लेके आए। उन्हें कल मैं विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या कागज की दरकार होगी। तो मैं फिर एक बार सांसदों से, विधायकों से, विधान परिषद सदस्यों से, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों से, ब्लॉक प्रमुखों और सभी दलों के ये जनप्रतिनिधि, खासतौर से पार्षद की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। हमीरपुर में बेखौफ दबंग दरोगा का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। दरोगा ओम प्रकाश का 1,000 रुपए रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। रिश्वतखोर दरोगा ओम प्रकाश बिवाण थाने में तैनात हैं। दरोगा पर ग्राम प्रधान ने वसूली का आरोप लगाया है। उन्नाव में कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर हत्या कर घर में शव को जलाने की कोशिश की गई। अधजले शव से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पूरा मामला बांगरमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यू कटरा मोहल्ले का है। सहारनपुर में एसएपी ट्रैफिक के कुशल निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट से पटाखे छोड़ने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट से पटाखे बजा रहे युवक का बुलेट इंपाउंड करने के साथ साथ उसका चालान भी काटा है। झांसी के प्रेमनगर में खाली पड़े फ्लैट में संदिग्ध सामान मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हैंड ग्रेनेड की पुष्टि की, जिसके बाद पूरे फ्लैट को सील करके बम निरोधक दस्ते को सूचना दी। फिलहाल महानगर के आबादी के बीचों बीच खाली फ्लैट में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम खरुआ में मेला देखने गए एक युवक को दबंगों ने बुरी तरह पीटा। बाद में थाने पर शिकायत करने पर दोबारा से घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस पर मन मुताबिक तहरीर लिखवाने का आरोप है। यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने महाराजगंज में एक दिवसीय दौरे के दौरान जिला अस्पताल, एनआरसी, पीकू वार्ड और प्राथमिक विद्यालय सहित आंगनबाड़ी जिला जेल का निरीक्षण किया, जिसके बाद विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर से बाल तस्करी, बाल श्रम रोकने पर चर्चा की गई। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर अंधेरे में सड़क पर बाइक से निकलकर घरों की रैकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। इन शातिर चोरों के पास से पुलिस ने लाखों रुपए के जेवरात, एक मोटरसाइकिल, 9,000 कैश और अन्य कीमती सामान बरामद किया है। थाना नई मंडी पुलिस द्वारा चोरियों का खुलासा किया गया है। हमारे थाना क्षेत्र में टोटल 4 चोरियां हुई थी मई से लेकर अभी तक, जिसमें से हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक का नाम है नीरज, एक का नाम है सुंदर। सुंदर जो है वो हरियाणा का रहने वाला है और जो नीरज है वो यहाँ फुगाना मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा रात में बाइक पर जाकर गाँव में जिन घरों में ताले लगे होते थे उन तालों को तोड़कर घरों के अंदर चोरी की गई है। सहारनपुर में पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों चोरों के पास से पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया। थाना कुतुबशेर क्षेत्र के मानकमऊ पुलिया के पास हुई मुठभेड़ के बाद चोरों को गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।